हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाक आईकर वर्सेस मालो के बीच में होने वाला सेकेंड T10 मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी 3 घंटा 45 मिनट बाकी है। तो ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3:30 बजे खेला जाएंगे। अगर वेन्यू की बात करें दोस्तों, काटामा ओवल में खेला जाएंगे। अगर लीग की बात करें, यूरोपियन क्रिकेट T10 लीग का ग्रुप ई का मैचेस है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी कवर किए। तो यहाँ पर हम लोग अभी ग्रुप ई को भी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको एक परफेक्ट टीम बना के दूंगा। स्मॉल लीग के लिए कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग के लिए कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग, विकेट डिपार्टमेंट, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। फेस बॉलर किसको लेना चाहिए, यहाँ पर किसकी ज़्यादा प्रेफर चलेंगे, ऑलराउंडर हो, बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, विकेट कीपर, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ दोस्तों। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर आपको जाना है दोस्तों। टेलीग्राम पर आपको जाके @shatrughan225 चेक कीजिएगा। चेक करते दोस्तों, आपको मेरे चैनल्स हो जाएगा। 1297 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और क्रिकेट विद SC भी सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरा चैनल्स हो जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टीम बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट विकेट कीपर से बात नहीं करूँगा, यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं आपको बताते एक्सप्लेन जाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहला जो प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए आपको मोहम्मद कमरान है दोस्तों। ये जो प्लेयर है एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप इनको जरूर टीम में ले सकते हो दोस्तों। ये जो प्लेयर है आपको स्मॉल लीग के लिए प्रेफर बेस्ट है, स्मॉल लीग के लिए आप इस प्लेयर को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लोग टीम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लाइव टीम बनाऊंगे दोस्तों, क्रेडिट इश्यू होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर परफेक्ट टीम बनाएंगे। ये मोहम्मद कमरान के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद ईशान। तो मोहम्मद ईशान को आपको टीम में जरूर रखना है, ये जो प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए आपको परफेक्ट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आमिर इकरम। तो आमिर इकरम की बात करें दोस्तों, ये भी ऑलराउंडर है और मालो के लिए खेलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो दो ऑलराउंडर्स है दोस्तों, इनको जरूर टीम में आपको रखना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर आता है दोस्तों, मोहम्मद असीम सरवार। तो मोहम्मद असीम सरवार की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए आपको ये भी प्लेयर परफेक्ट है। तो फिलहाल मैं इनको ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं तीन प्लेयर को पिक कर लिया यहाँ पर ऑलराउंडर्स में, उसके बाद एक विकेट कीपर को पिक किए। तो दोस्तों, यहाँ पर इतना होने के बाद अभी ग्रैंड लीग के लिए आपको पिक करना है। तो ग्रैंड लीग के लिए बात करें दोस्तों, यहाँ पर एक प्लेयर आता है सिराज अहमद। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर इनकी बात करें, क्रेडिट इश्यू यहाँ पर 8 है दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्लेयर 8 है, लेकिन पॉइंट्स यहाँ पर ये प्लेयर का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों आता है अदिल सबकत। अदिल सबकत की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो प्लेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर फेस बॉलिंग करेंगे यहाँ पर ये प्लेयर। लेकिन इनको यहाँ बात करें, इनकी जो क्रेडिट है 8 की है, लेकिन इसलिए मैं इस प्लेयर को पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर स्मॉल लीग और यहाँ पर ग्रैंड लीग का दोनों मिक्सिंग टीम बनेगा। उसके बाद आता है दोस्तों बैट्समैन में आमिर जैब, एक खतरनाक प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर, ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं। तो आमिर जैब को यहाँ पर जरूर टीम में रखिए। उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए एक और प्लेयर है उमर फारूक। तो उमर फारूक को मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मोहम्मद ईशान को ऑलरेडी पिक करके रख चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरे देखा जाए तो एक बैट्समैन के साथ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, उसके बाद एक विकेट कीपर है, 4 ऑलराउंडर और यहाँ पर एक बॉलर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग के लिए सारे प्लेयर्स बताएं। तो यहाँ पर एक प्लेयर को हम लोग पिक नहीं कर पाए दोस्तों, वो है उमर फारूक। तो यहाँ पर इनकी बात है। तो यहाँ तक आपको सारे प्लेयर्स की स्टैट्स भी यहाँ पर बताए जाए तो एक बेस्ट प्लेयर कौन है आपको मैं बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी नेक्स्ट प्लेयर को किसको पिक करना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक बैट्समैन के नाम बताऊंगा, वो है दोस्तों मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर की बात करें, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये वन डाउन पर बैटिंग करते हैं मोहम्मद बाबर, इसलिए मैं इनको मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, इनको मैं ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद कुछ और प्लेयर्स है दोस्तों, लेकिन इसके बाद फेस बॉलिंग यहाँ पर इस टीम के लिए कौन करेंगे। अगर पाक आईकर की बात करें तो यहाँ पर दो फेस बॉलर है दोस्तों, यहाँ पर अतीब मोहम्मद और यहाँ पर दोस्तों अदिल सबकत। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अदिल सबकत को हम लोग ले चुके हैं। तो यहाँ पर अतीब मोहम्मद को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे। उसका बाद दोस्तों, यहाँ पर मालो टीम की यहाँ पर फेस बॉलर को नहीं बात करें तो यहाँ पर आता है दोस्तों नजम शहजादे है दोस्तों। उसका बाद यहाँ पर मोहम्मद अदनन गोंडल है। तो मोहम्मद अदनन गोंडल की बात है, ये फेस बॉलर भी है और यहाँ पर ओपनर बैट्समैन भी है। तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पर इनको हम लोग जरूर टीम में ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग बैटिंग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग बैटिंग करते हैं दोस्तों पाक आईकर के लिए, यहाँ पर मोहम्मद ईशान है। तो मोहम्मद ईशान को हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर अबीद महबूब, ये भी विकेट कीपर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें मोहम्मद ईशान और अबीद महबूब में दोनों एक ही प्लेयर खेल सकते हैं। अगर दोनों खेलेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है,
यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। यहाँ पर चारों में बात करें, अगर मोहम्मद ईशान, आबिद महबूब की बात करें, दोनों विकेट कीपर है पाक आई के लिए, अगर दोनों खेलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर विकेट कीपिंग में आपको आबिद महबूब करते नज़र आएंगे। तो ये तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग मोहम्मद ईशान पर जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग पिक कर रहे हैं। अगर दोनों खेलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लास्ट मोमेंट में आपको आबिद महमूद पर जाना, नहीं तो आपको ग्रैंड लेग के लिए उमर फारूक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इनको ले सकते हो। तो फिलहाल हम लोग मोहम्मद ईशान पर जाएंगे, लास्ट मोमेंट में क्रेडिट क्या इश्यू वो देख के हम लोग परफेक्ट टीम बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन है पाक आईकर की। अगर वही माल्टा मालो की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मालो के यहाँ पर दो प्लेयर्स हैं, जयेश पॉपेट, जयेश पॉपेट की बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर ओपनिंग करते नजर आएंगे मालो टीम के लिए। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, मोहम्मद अदनान गोंडल आपको ओपनिंग बैटिंग भी करेंगे और यहाँ पर फेस बॉलिंग भी करेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं इनको मैं पिक कर लिया अपना टीम में। तो दोस्तों यहाँ पर दो बैट्समैन को पिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन पर जाना है, तो मैं एक्सपीरियंस पर जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर सिकंदर अली को ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिकंदर अली को पिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी भी मेरे एक परफेक्ट टीम बनाने के लिए एक ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ए मोहम्मद अतीब मोहम्मद को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक टीम तो मेरा बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या क्या चेंजिंग करने से एक बेहतर होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बार देख लीजिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी आपको कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद बाबर जो है दोस्तों, यहाँ पर ए प्लेयर आपको कैप्टन के लिए भी परफेक्ट है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर सिराज अहमद आपको ग्रैंड लीग के लिए एक परफेक्ट प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर आप इनको बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। उसके बाद एक प्लेयर को यहाँ पर हम लोग नहीं लिए, अगर आप दोस्तों छः से 11 टीम बनाते हो तो ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है दोस्तों मोहम्मद यासीन। आप इस प्लेयर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों मोहम्मद कमरान को हम लोग एक टीम तो ले चुके हैं दोस्तों इनको। उसके बाद आता है दोस्तों ए इक्रम, तो यहाँ पर दोनों ऑलराउंडर को यहाँ पर ले चुके हैं, तो इन दोनों रोल यहाँ पर इनका बहुत बड़ा होने वाला। तो यहाँ पर एक प्लेयर को हम लोग नहीं ले पाए दोस्तों, वो है मोहम्मद यासीन यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। इनकी जो पॉइंट्स है 9 है, तो यहाँ पर 9 क्रेडिट वाले प्लेयर है, तो मोहम्मद यासीन भी आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैं बता दिया, तो यहाँ पर आपको बताने तक दोस्तों यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पर अगर ऑलराउंडर एक्स्ट्रा पे नहीं जाना चाहते हो तो सिराज अहमद को आपको यहाँ पर कैंसिल करके दोस्तों यहाँ पर ए मोहम्मद, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर नजम शहजादी, ये जो प्लेयर है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह टीम बना सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो परफेक्ट टीम मेरा बन गया, 4 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर के साथ में जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो कैप्टन के लिए दोस्तों बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद बाबर आपको एक बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन के लिए, लेकिन फिलहाल सेफ जोन की बात करता हूँ, सेफ जोन की बात करें मोहम्मद कमरान के एक्सपीरियंस बहुत है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आता है दोस्तों ए इक्रम को भी हम लोग यहाँ पर टीम में ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट टीम मेरा बन गया। अगर यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन को भी मैं हम लोग पिक कर लें तो दोस्तों टीम प्रीव्यू देखिए, यहाँ पर टीम प्रीव्यू में मोहम्मद ईशान आपको विकेट कीपिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन पे अमित जे, मोहम्मद बाबर, सिकंदर अली है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में मोहम्मद कमरान, ए इक्रम, मोहम्मद असीम सरवार है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद गेंदबाजी में मोहम्मद अदनान गोंडल, नजम शहजादे, उसके बाद अतीब मोहम्मद, ये सपाकत, आदिल सबकत है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ना एक चेंजिंग लास्ट मोमेंट पे हो सकता है मोहम्मद अदनान गोंडल, अगर क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग बॉलिंग और फेस बॉलिंग इन्हीं को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये नहीं खेलते हैं दोस्तों तो लास्ट मोमेंट पे आपको एक चेंज कर सकते हैं, वो क्या है दोस्तों वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर ये प्लेयर नहीं खेलता है दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए लास्ट मोमेंट में आप ये मोहम्मद पर फिर यहाँ पर चला जाए, एक प्लेयर बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये टीम आपको काफ़ी है। और विकेट कीपिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ मोहम्मद ईशान और यहाँ पर महबूब में, दोनों में यहाँ पर दोनों प्लेयर ओपनर हैं। उमर फारूक आपको ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट है, लेकिन जयेश पॉपेट आपको यहां पर विकेट कीपिंग करेंगे। तो यहां पर विकेट कीपिंग में थोड़ा रिस्क होंगे दोस्तों यहां पर, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको फाइनल टीम में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना चुका हूं, टीम प्रीव्यू भी आपको मैं सारे प्लेयर्स को दिखा चुका हूं, लेकिन दोस्तों जो फाइनल टीम होगा मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट करूंगा। तो जो फाइनल टीम होगा दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पे इसी प्रकार देने वाला, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इसके बाद कुछ और मैचेस बचे हैं दोस्तों, वो भी आपको फाइनल टीम सब कुछ आपको मैं दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं HBSC वर्सेज GEK के बीच में, पाक एकेर वर्सेज यहाँ पर पंजाब लायंस निकोशिया के बीच में मैच है। उसके बाद मालो वर्सेज GEK के बीच में भी है दोस्तों, तो ये सारा मैचेस आपको फाइनल टीम भी मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है दोस्तों। थैंक यू।